सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल जो पिछले 18 साल से कोमा में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने राजकुमार को 18 साल बाद भी कोमा से बाहर नहीं आने दिया। दरअसल अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल लंदन में मिलिट्री साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान साल 2005 में उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया। इस कार एक्सीडेंट में उनके सर पर चोट लगी और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। खास बात यह है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी प्रिंस का परिवार उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता है। उनकी देखभाल के दौरान पूरी इज्जत के साथ प्रिंस को सजाया और संवारा भी जाता है। साल 2017 में डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाने के लिए सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन कुछ ऐसा अजूबा होगा और वह जाग जाएगा। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब उनके शरीर में हरकत देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार पर एक आवाज ने जादू सा असर दिखाया। राजकुमार ने एक महिला के वीडियो क्लिप की आवाज को सुनकर अपनी उंगलियों को हिलाया था।